हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी सॉल्यूशन मोटर स्पोर्ट्स में। आज मैं बताऊंगा कि अगर आपके बाइक या एक्टिवा में एमरॉन की बैटरी लगी हुई है और आपको जानना है कि ये बैटरी कौन से ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुई है, तो वारंटी कार्ड के बिना आप उसे बैटरी के नंबर से जान सकते हैं कि ये बैटरी कौन से ईयर में मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो मैं आपको सिखाऊँगा कि आपको कैसे चेक करना है। तो अगर आपकी बैटरी ओपन है, अब देख सकते हैं इस तरीके से एमरॉन लिखा हुआ होगा, प्लस और माइनस टर्मिनल है, इसके बीच में ये कोड दिया हुआ है बैटरी का, जो वारंटी कार्ड में भी यही नंबर लिखा हुआ होता है, और उसके लेफ्ट साइड में अपर की साइड इस तरीके से कोड लिखा हुआ होता है। ये एमरॉन के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पे से ही लिखा हुआ होता है। हमें आगे के नंबर में कोई चेक नहीं करना है, हमें पिछले दो लास्ट डिजिट है वो चेक करना है। आप देख सकते हैं लास्ट दो डिजिट 18, इसका मतलब है 2018। तो ये बैटरी 2018 में मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इसी तरीके से ये 4LB बैटरी है, ये 5LB बैटरी है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ होता है, और उसके लेफ्ट साइड अपर के साइड ये कोड लिखा हुआ होता है जो एम्बुश किया हुआ है, ये स्टिकर नहीं है। तो ये बैटरी कितनी भी पुरानी हो तो ये कोड तो आपको मिलेगा ही। तो इसमें पीछे के दो नंबर देखने हैं हमें, ये 2017 की बैटरी है, दूसरी ये भी 4LB बैटरी है, ये कोड वारंटी कार्ड का कोड दिया हुआ है, और इसके लेफ्ट साइड अपर साइड ये कोड दिया गया है। इसमें लास्ट दो डिजिट हम देखते हैं तो यहाँ पे 2021 की बैटरी है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है। ये बैटरी आपके बाइक और एक्टिवा में दूसरी डेट पे लगी हुई रह सकती है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डेट ईयर होता है ये, और उसके बाद एक दो तीन महीने में डीलर के पास पहुंचती है और आपके बाइक या एक्टिवा में लगाई जाती है। तो ये दो तीन महीने का डिफरेंस होता है, पर ये ईयर है ये वो फाइनल होता है कि 2021 में ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो ऐसे ही नए वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।